हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी डोर लॉक सिस्टम यूजिंग कीपैड विद आर्डिनो। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टिंकरकैड का टेक्स्ट बोर्ड है। अब हम यहाँ पास कंपोनेंट सर्च कर लेते हैं आर्डिनो। ये हमारा आर्डिनो यूएनओ है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसके बाद हम सर्च करेंगे ब्रेडबोर्ड, ब्रेडबोर्ड स्मॉल ले लेंगे। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे कीपैड, ये हमने ले लिया कीपैड। कीपैड लेने के बाद अब हम लोग लेंगे एलसीडी, 16x2 की एलसीडी ले लीजिए। इसके बाद हम लेंगे पोटेंशियोमीटर। अब हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ब्रेडबोर्ड पे पावर सप्लाई अटैच कर देंगे। 5 वोल्ट को हम लोग ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। हमने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। हमने इसको रेड कर दिया। इसी तरीके से ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे हम सीएनजी। फाइव वोल्ट को थोड़ा नीचे करते हैं। तो ग्राउंड को भी थोड़ा नीचे करते हैं। ग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं। ये हमने ग्राउंड को ब्लैक कर दिया। अब हम लोग एलसीडी पे अटैच करेंगे ब्राइट बोर्ड पे। ये हमने ब्राइट बोर्ड पे एलसीडी अटैच कर दिया है। ठीक है, एलसीडी में कितने पिन है, यहाँ से हम लोग थोड़ा साइड करते हैं एलसीडी। यहाँ से सप्लाई हम पास कर देते हैं इधर साइड ब्रेड बोर्ड पे। हमने पास किया वीसीसी और ये पास किया ग्राउंड। अब ये ब्रेड बोर्ड में पूरा वीसीसी ग्राउंड दोनों तरफ है। देखिए, ये जीएनजी को हम लोग जीएनजी से कनेक्ट कर देंगे, ये वीसीसी को वीसीसी से, जीएनजी को जीएनजी से, वीसीसी को वीसीसी से। अब यहाँ देखिए एलईडी, एलईडी कैथोड, एलईडी एनोड। अब यहाँ एक रेजिस्टर लगा देंगे हम, कैथोड या एनोड किसी में भी लगा सकते हैं। ये क्या है, कैथोड जब नेगेटिव है, रेजिस्टर लगा दिया यहाँ 330 ओम कर देंगे, यहाँ किलो ओम की जगह ओम। और फिर ये पावर को पावर दे देंगे। अब हम लोग एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं। ये हमने पोटेंशियोमीटर यहाँ लगा दिया है। पोटेंशियोमीटर में देखिए 3 पिन है। टर्मिनल 1 को हम लोग नेगेटिव पे दे देते हैं और टर्मिनल 2 को पॉजिटिव में दे देते हैं। हमने टर्मिनल 2 को पॉजिटिव कर दिया है। तो भी और ये थर्ड एलईडी कौन सी है, कॉन्ट्रास्ट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर की मिडिल पिन पे। हमने मिडिल पिन पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग कनेक्शन करते हैं एलसीडी का। देखिए यहाँ पे पिन है आर एस पिन को कनेक्ट करेंगे A0 पिन से, क्योंकि हमने कोड में एनालॉग पिन लिया है। अभी हम कोड जब आपको अपलोड करेंगे तो दिखाएंगे कोड। ये देखिए कोड आप देख सकते हैं यहाँ पास। देखिए A0, A1, A2, A3, A4, A5। हम लोगों ने इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दीजिए, A2 आ जाएगी ये। A2 भी हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से A4 पिन लेना है हमें। A4 पिन को हम लोग A2 पे कनेक्ट कर देंगे और A5 पिन को हम लोग A3 पे। और इसके बाद A6 पिन है हमारी,
हम लोग A4 पे कनेक्ट करें, A5 A4 पे कनेक्ट करेंगे। लास्ट पिन हमारी एलसीडी की है, लास्ट पिन कनेक्ट करते हैं A7 पिन। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा एलसीडी का कनेक्शन हो गया है। अब आप कलर करना चाहते हैं वायरिंग की तो आप कलर भी कर सकते हैं, इसको रेड कर देते हैं। ये हो गए, एलसीडी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कीपैड का कनेक्शन कर लेंगे। देखिए कीपैड का कोड भी हम देख लेते हैं। देखिए कीपैड में क्या है, रो एंड कॉलम 4 4, 1 से लेकर 4 तक रो है एंड 5 से लेकर 8 तक कॉलम है। तो रो हम लोग 1 से लेकर 5 तक कनेक्ट कर लेते हैं। इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले अच्छे से आए। ये हमने रोटेट कर लिया। अब देखिए रो हमारी कनेक्ट है A1 से, का कलर हम चेंज कर देते हैं, इसे ब्लू कर देते हैं। ये देखिएगा A2 हमारा कनेक्ट है, A2 पे A3 पे A4 पे A5 पे A6 पे A7 पे और लास्ट वन है A8। A8 को A8 पे कनेक्ट कर देंगे। वायर थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। ये हमारा कीपैड कनेक्ट हो गया। अब हम सर्वो मोटर कनेक्ट करेंगे, हम सर्च करेंगे सर्वो। ये हमारी सर्वो आ गई, सर्वो को भी हम रोटेट कर लेते हैं। सर्वो में देखिए एक पावर पिन है, ग्राउंड को ग्राउंड से, ये पावर पिन को पावर से, पावर पिन को हमने पावर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर देते हैं। और लास्ट वाली हमारी क्या है, सिग्नल पिन, सिग्नल पिन R0 के 9 पिन से, क्योंकि हमने पोर्ट में 9 पिन डिफाइन किया है। जो भी हम कोड में डिफाइन करेंगे उसको हमें यहाँ पे लगानी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक LED ले लेंगे। ये LED ले लिया हमने, LED कैथोड में कनेक्शन करके ग्राउंड कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और रेजिस्टर की वैल्यू 330 दे दिया हमने, ओम कर दिया, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया आर्डिनो की 10 पिन से। ये मैं 10 पिन से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारी सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई है, इसको डिलीट करते हैं। अब कोड सेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे कोड को डिलीट करेंगे, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, क्योंकि ये कोड ब्लॉक में नहीं होगा क्योंकि LCD हमने यूज कर दी है, तो टेक्स्ट में रहेगा। कोड हम लोग कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने कोड को कॉपी कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने LCD A0 से लेकर A5 तक यूज किया है। पासवर्ड 5 लेंथ तक ले जा सकते हैं। यहाँ से हमने पासवर्ड की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, आप कोई भी 4 वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। और फिर हमने कॉलम 4 रो 4, ये देखिए यहाँ पे ले जाइए कर्सर कॉलम, यहाँ पे ले जाइए कर्सर 4। हमने कहे रो, हमने कहने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। डिस्प्ले पे हमारा कोई भी चीज़ दी है, डिस्प्ले पे हमारा शो हो गया। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड हमारा क्या था यहाँ पर, कीबोर्ड में थी
कोड में देखेंगे 1 2 3 4, टाइप करेंगे 1 2 3 और 4, एम करेंगे तो सर्वो देखिए हमारा गेट ओपन हो जाएगा। तो सर्वो ऑपरेट होके इंडिकेट कर देगी और यहाँ एलईडी ग्लो कर देगी। फिर से हम लोग हैच पे क्लिक कर दीजिए, फिर से अपनी कंडीशन पर डोर इज क्लोज, ठीक है एलईडी पे ऑफ है। फिर हम क्लिक करेंगे 1 2 3 4, ठीक है डोर भी ओपन और एलईडी भी आपकी ऑन हो जाएगी, डोर इज ओपन। अगर आपके एलसीडी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा होगा तो आप इसको रोटेट कर लीजिएगा। ये हम फिर से दिखा दे, अगर आपके एलसीडी पे वैल्यू नहीं आ रही तो इसको जरूर रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये रोटेट रहेगा, जैसे हमने रोटेट कर दिया तो डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। अगर रोटेट करके देखिएगा आपके डिस्प्ले में शो होने लगेगा। सेम कनेक्शन कर दीजिएगा, फिर से एक बार हम ट्राई करके दिखा देते हैं। देखिए डोर इज क्लोज, पासवर्ड का पूछेगा, इंटर पासवर्ड, पासवर्ड क्या था, 1 2 3 और 4, ये डोर इज ओपन, सर्वो ऑपरेट हो जाएगी। इस कोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कोड वहां से कॉपी करके सेम एज इट इज हार्डवेयर में कनेक्शन करके और आर्डिनो आईडी में कोड को अपलोड कर दीजिएगा। ये देखिए हम कोड आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा देते हैं। अगर आपका कंपाइल नहीं हो रहा है तो आप कीवैट की लाइब्रेरी और एलसीडी और सर्वो की लाइब्रेरी डाल लीजिएगा। हम यहाँ पर कंपाइल करके दिखा दे रहे हैं कि कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोड वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपका कोड रन नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिएगा कीपैड की आपने लाइब्रेरी डाली है, अगर नहीं डाली हो तो इसको कॉपी करिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। इसको सिंपल ऐसे कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद क्रोम में जाइएगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करके इंटर कर दीजिएगा, तो ये लाइब्रेरी आ जाएगी, कीपैड की लाइब्रेरी आ जाएगी। इसके बाद क्या करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड जिप। डाउनलोड जिप करने के बाद आर्डिनो आईडी में आइएगा, स्केच में जाइएगा, इंक्लूड लाइब्रेरी, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे जाइएगा, एड जिप लाइब्रेरी। जैसे हमने डाउनलोड सेक्शन में है तो हम डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे कीपैड सर्च करेंगे, जो हमने यहाँ देखिए कीपैड मास्टर आ गया है ना, तो कीपैड मास्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी, फिर आपका आसानी से कंपाइल हो जाएगा ये कोड। कोड की हम फिर से बता दे रहे हैं, कोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कोड वहां से कॉपी कर सकते हैं, हार्डवेयर में भी अपलोड कर सकते हैं। ये हमारी सर्वो सर्वो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, कीपैड 4x4 का कीपैड है, एक एलसीडी है, 10 किलो 10K का पोटेंशियोमीटर ले लीजिएगा और एक 16x2 की एलसीडी। एक बार फिर से हम ट्राई कर देते हैं। पासवर्ड देखिए कोड में जाइएगा, देखिए यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है, ये पासवर्ड का ऑप्शन है 1 2 3 4, आप कोई और नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रो 4 है, कॉलम 4 है, रो 4 और कॉलम 4, कहाँ से इसकी नंबरिंग किया गया, ये लिखी हुई है 1 से लेकर 4 तक रो और 1 से लेकर 5 से लेकर 8 तक कॉलम। यहाँ पे आइएगा, माउस रखिएगा तो आपको रो और कॉलम बता देगा, ये देखिए रो 4 रो एंड 4 कॉलम। अब देखिए इंटर पासवर्ड, फिर 1 2 3 4, सर वो ऑन हो जाएगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।